नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार द्वारा पत्रकार घरानों के उत्पीड़न पर लिया गया बड़ा फैसला। पत्रकारों ने मुंह और हाथों पर भी बांधी काली पट्टी। मीडिया घरानों पर सरकार के निर्देश पर हुई छापेमारी के खिलाफ सैकड़ों पत्रकार उतरे सड़कों पर। योगी तेरी तानाशाही और जितना दबाओगे उतना ही सच छापेंगे के नारे के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित सौंपा पत्रक। पत्रक सौ पत्रकारों पर आईटी की कार्रवाई और पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करने की मांग। टीडी कॉलेज चौराहे से प्रदर्शन कर डीएम कार्यालय पर सैकड़ों पत्रकारों ने सौंपा पत्र। आज अपना परिचय देते हुए बताया कि आज किस तरह से कहां से प्रदर्शन करते आए, क्या क्या मांगे रहे, क्यों काली पट्टी बंद है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ मीडिया घरानों पर केंद्र सरकार द्वारा डाले जा रहे ईडी और आईटी के छापे के विरोध में आज हम टीडी कॉलेज चौराहे से कलेक्टर डीएम दफ्तर तक दफ्तर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने आए थे। क्या क्या मांगे थी आपके? जो सच अखबारों द्वारा सच दिखाने पर सरकार द्वारा जो है कि ना दमन की कार्रवाई की जा रही है उसके विरोध वह बंद किया जाए और पत्रकारिता को कुचलने का कुप्रयास सरकार न करे। जितना ही दमन करेगी उतना ही जो है कि नहीं अपना पत्रकारिता में तेजी आएगी। इसके विरोध में हम कलेक्ट्रेट पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक पत्र लेने के लिए आए हैं। जी कब का पर्चे? सुदन सिंह, प्रांतीय महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, उत्तर प्रदेश। क्या मामला है? हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक पत्रक जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से देने आए हैं, जिसमें मीडिया घराने पर दैनिक भास्कर और भारत चैनल के ऊपर, जो भारत समाचार के ऊपर जो आईटी की रेट पड़ी भारत सरकार द्वारा डाली जा रही है, इससे मीडिया के स्वतंत्र अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसको हम लोग रोकने के लिए कि ऐसा चौथे स्तंभ पर भारत सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे, इसके लिए महामहिम से हम लोग अपील करने आए हैं। उनको पत्रक दे रहे हैं कि महामहिम जी इस कार्रवाई को रोकिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के संरक्षक हैं और हर चार स्तंभ है लोकतंत्र में और हर स्तंभ का अपना अस्तित्व सुरक्षित होना जरूरी है और वर्तमान भारत सरकार लोकतंत्र के ऐसे स्तंभों को, जो भारत सरकार के नीतियों की खिलाफत कर रहा है, जो गलत नीतियों को उजागर कर रहा है, उस पर उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है, ऐसी कार्रवाई को तत्काल रोका जाए, यही हम लोग पत्रक देकर मांग करते हैं। मास्क की जगह आपके चेहरे पर काली पट्टी दिखाई दे रही है, इसलिए है कि भारत सरकार को हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे मुंह को जितना जोर से दबाओगे उससे दुगनी ताकत से हम अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे और जो भी सरकार की गलत नीतियां है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लिखेंगे, दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।